हाय एवरीवन, मैं हूं सलमान शेख और आप देख रहे हैं टेली खजाना। अर्शी के जीतने का दुख नहीं है मुझे, लेकिन झनक जो हार गई है उसका दुख है। और ज्यादा दुख इसलिए है क्योंकि झनक ये जानबूझकर हारी है। झनक जीतने वाली ही थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। पता नहीं क्यों अचानक से उसने खुद ने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसका जो डांस सीक्वेंस थी वो अचानक से रुक सी गई और पूरा जो चार्म उसका जो जादू था वो अचानक से खत्म हो गया। और मुझे मालूम है कि वो उसने जानबूझ के किया है। बस 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 यही जानने के लिए मैं उसके पीछे भागा हूँ। अभी जाके पूछता हूँ उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो भी किया झनक ने बहुत गलत किया, क्योंकि यार हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी उसके लिए। एक्चुअली वो खुद इतनी टैलेंटेड है कि वो खुद के दम पे भी जीत सकती थी, लेकिन कुछ लोग जो उसे परेशान कर रहे थे उसे बचाने की कोशिश की हम लोगों ने, बट फाइनली वो जीत नहीं पाई। उसका बहुत दुख है। लेट्स सी, अभी जाके पता करता हूँ। जैसे झनक मुझे बताएगी फिर मैं आपको बताता हूँ। झनक को तो यार मैं पहली मुलाकात से ही कह रहा हूँ कि झनक बहुत ज़्यादा कमाल की आर्टिस्ट है और वो डिजर्व करती है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना। ये डांस शो तो एक लाइफ का छोटा सा पार्ट है उसके लिए, जो कि मैं उसको कह भी चुका हूँ कि ये इससे तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी। लाइक मतलब बस ये वाला एक शो ऐसा है कि आपने ये एक पड़ाव पार किया, उसके बाद में फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। आदित्य कपूर का फोकस वही है कि वो एक बार इसको कंप्लीट करे। मुझे खुशी होती अगर वो जीत जाती। वो उसने पता नहीं क्यों ऐसा किया, वो नहीं जीत पाई खुद की वजह से, लेकिन उसकी लाइफ अभी पूरी बाकी है। आदित्य कपूर पूरी कोशिश करेगा उसे उस मुकाम तक पहुंचाने की जहां पे वो जाने के लायक है। यार मैं झलक दिखला जा करना चाहूंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाना चाहूंगा वहां।